सीसी मेंबर कावा। वेबिनार के थ्रू जुड़े सारे अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्य, मैं समीर कुमार श्रीवास्तव कमानंद कल्याण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि सियाचिन परिवार कल्याण संस्थान ने सीसी वर्षगांठ दिन को ध्यान में रखकर एक वार्षिक गतिविधि कैलेंडर जारी किया था, जिसके तहत सितंबर को प्रौढ़ शिक्षा के संबंधित कार्यक्रम हेतु चयन किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने से हमारा तात्पर्य उनको साक्षर करना ही नहीं है, अपितु आजकल के डिजिटल दौर के में केवल अपने विचारों को लिखित रूप देना ही साक्षरता को सिद्ध नहीं करता है। हमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पारिवारिक सदस्यों को डिजिटल रूप से भी सशक्त बनाना है, जिससे कि वो रोजमर्रा के कार्य सुचारू रूप से कर सकें, क्योंकि आजकल हर कार्य बैंक से लेकर खरीदारी तक सभी डिजिटल है। डिजिटल साक्षरता से उनके कार्यक्रमों को काफी सुगम किया जा सकता है। अब मैं सीआरपीएफ एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट श्री ज्योति कुमार से आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू सर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा पर बल के योगदान पर आधारित एक छोटी सी प्रस्तुतिकरण में श्री अनंत प्रकाश माहेश्वरी महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के विशेष अतिथि श्रीमती मधु शर्मा, सम्मानित महिलाएं एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े बल के अधिकारी, कार्मिक एवं परिवार के सदस्यों का मैं ज्योति कुमार उप कमांडेंट हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वैश्विक महामारी कोरोना कोविड 2019 ने संपूर्ण विश्व के समक्ष यह तथ्य भली भांति उजागर कर दिया है कि भौतिकतावाद के इस युग में प्रकृति एवं मानवीय मूल्यों के प्रति आज पूरे मानव सभ्यता व समाज में काफी उदासीनता व्याप्त है। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा समस्त केंद्रीय बलों के एक संयुक्त बैठक के दौरान इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर चर्चा किया गया एवं उनके द्वारा वर्ष 2020 को मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने के वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान भी किया गया। इसी प्रसंग में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को अंगीकृत किया गया है, जिसमें मुख्यतः वृक्षारोपण, दिव्यांगों का समर्थन, बच्चों की शिक्षा में सहयोग, प्रौढ़ शिक्षा में योगदान आदि प्रमुख है। जैसा कि आप सभी को स्पष्ट है कि भारतवर्ष की सुरक्षा, अखंडता व एकता को बनाए रखने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का योगदान सर्वोपरि है और राष्ट्र के प्रहरी के रूप में हमारा यह बल भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम करने हेतु सदैव अग्रिम पंक्ति में तैनात रहता है। इस महत्वपूर्ण जवाबदेही के साथ साथ बल के सदस्य अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए भी कटिबद्ध है और अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ऊर्जावान और क्रियाशील है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संगठन के इस रजत जयंती समारोह के वार्षिक कार्यक्रम की श्रृंखला में सितंबर माह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम चलाए गए, जिनका उद्देश्य निम्न प्रकार से है। लगभग 6,000 प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित किया जाना इस वर्ष के दौरान, रोजमर्रा के कार्यों में को करने और समझने में सक्षम बनाने में सहायता प्रदान करना, डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, सामाजिक व घरेलू हिंसा तथा शोषण के प्रति जागरूकता प्रदान करना एवं आत्मनिर्भरता हेतु कौशल विकास में सहायता देना। प्रौढ़ शिक्षा के इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु दल के विभिन्न जोनों और सेक्टरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अशिक्षित प्रौढ़ों को साक्षर बनाए और जिनके लिए वे अनेक सुनियोजित कार्यक्रमों के माध्यम से सेवापूर्ण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस महत्वपूर्ण सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संगठन एवं बल के विभिन्न क्षेत्रीय परिवार कल्याण केंद्रों द्वारा उल्लेखनीय पहल किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः प्रौढ़ साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता केंद्रित है। इसी क्रम में प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्रीय परिवार कल्याण केंद्रों द्वारा आयोजित किए गए हैं, जैसे कि विभिन्न भाषाओं का पढ़ना लिखना, कामगार वयस्कों के लिए साप्ताहिक कक्षा का आयोजन, संगीत एवं आध्यात्मिक शिक्षा का आयोजन,
योग शिक्षा, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, बैंकिंग, साइबर सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे क्लासेस दिए जा रहे हैं। साथ में कौशल एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रीय परिवार कल्याण केंद्रों द्वारा आयोजित प्रौढ़ शिक्षा जैसे सामाजिक क्रियाकलापों के कुछ रोचक तस्वीरें और वीडियोग्राफ्स इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं, जिसे मैं इनमें से कुछ चित्रों और वीडियोज को इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सदस्यों के सामने साझा करना चाहूँगा। क्षेत्रीय ग्रुप केंद्र भोपाल में हर सप्ताह गुरुवार 5 बजे से सूचीबद्ध किए गए अशिक्षित प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षरता एवं शिक्षा प्रदान करने हेतु परिवार कल्याण केंद्र में 1 घंटे की कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र क्षेत्रीय कावा ग्रुप केंद्र गांधीनगर द्वारा हाल में ही 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे का आयोजन किया गया एवं विगत 4 महीने से अशिक्षित महिलाओं को साक्षरता प्रदान करने हेतु एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे संबंधित एक મોબાઈલ સંચાલન કમ્પ્યુટર ચલાવતા શીખવવામાં આવે છે, એવી જ રીતે માંડીને ગણિતના પાઠ ભણાવવા ઉપરાંત બેન્કિંગ કામકાજ થી વાકેફ કરવામાં આવે છે। પ્રૌઢો પોતાના જીવનમાં કોઈના નિર્ભર ના રહે અને આત્મનિર્ભર બને તે માટે આ પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે। પ્રૌઢ क्षेत्रीय कावा ग्रुप केंद्र बेंगलुरु द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास के बढ़ोतरी के लिए तरह तरह के खेलकूद, भ्रमण एवं डिजिटल लिटरेसी एवं बैंकिंग व मोबाइल से संबंधित सुरक्षात्मक उपाय मुख्य कार्यक्रमों में शामिल है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रीय कावा जैसे भुवनेश्वर, नीमच, अजमेर, RAF सेक्टर एवं विभिन्न जोनों के द्वारा भी कोविड वैश्विक महामारी के आवश्यक सुरक्षात्मक प्रतिबंधों, प्रशासनिक एवं परिचालनिक व्यस्तता के दरमियान भी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं किया जा रहा है। और यह उम्मीद है कि प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विभिन्न जोनों और सेक्टरों द्वारा ससमय हासिल कर लिया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संगठन द्वारा आयोजित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पूरी तरह सफल करने हेतु कुछ सुझाव भी प्रस्तुत हैं, जिस पर विचार कर भविष्य के कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि बल के अशिक्षित प्रौढ़ एवं बुजुर्गों को साक्षर बनाने हेतु 6 महीने या 1 वर्ष तक के लिए निबंधन किया जा सकता है, इससे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रौढ़ शिक्षा के विकास में समय दान हेतु प्रेरित किया जा सकता है। बल के कार्मिकों को अशिक्षित वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए संयुक्त जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विभिन्न संगठनों को दी जा सकती है। साथ ही कौशल विकास के द्वारा आत्मविश्वास और आय के अन्य स्रोतों की संभावनाएं विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रस्तुतिकरण के अंत में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इन सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में देश के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में एक कठोर ढाल की तरह मुस्तैद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की छवि एक संवेदनशील बल के रूप में भी विकसित होगी। इसी के साथ मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संगठन से आयोजित इस कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा पर बल के योगदान पर आधारित यह प्रस्तुतिकरण समाप्त करता हूं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद ज्योति। अब मैं डॉक्टर AP महेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से अनुरोध करूंगा कि वह अपने महत्वपूर्ण विचार से हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर CRPF परिवार कल्याण संस्था के सभी सदस्यों तथा आज की रजत जयंती लेक्चर की मुख्य अधिवक्ता श्रीमती मधु शर्मा, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे समस्त साथियों का जो कि इस वेबिनार के माध्यम से जगह जगह से जुड़े हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम परिचर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए है
कि मैं जब अपने स्वयं के इतिहास को याद करता हूं तो चाहे मेरी नानी मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी किंतु उनको बहुत अनुभव प्राप्त थे और जो मूल्य समाज के परिवार के मूल्य हैं जो जितने मुझे उन दोनों से मिले बचपन में उसके बराबर बाद में नहीं मिले। ये ऐसी जातक कथाएं उनके पास थी जो वो अपने माँ बाप से उन्होंने सीखी, अपने दोस्तों से अपने साथियों से गांव में सीखी और वो वर्बली मौके को पास ऑन करते रहते थे। और अभी भी जीवन में कई जगह बाधा आती है। सबसे बड़ी बात अगर हम पौढ़ शिक्षा में देखें, जब हम उन्हें लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो जितना ज्ञान अनुभव उनके पास है वो संभवतः ज्यादा उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। आज भी ये बात प्रासंगिक है कि जितने बुजुर्ग हैं उनका जो अपनी दूसरी पीढ़ी के साथ प्रेम होता है, जैसे नाना का या दादा का अपने पौत्र के साथ बच्चों के साथ, वो अधिकतम समय उनके साथ बिताते हैं। अगर यदि वो वर्ग जिसके पास की इतना अनुभव है और जितना अदरवाइज ज्ञान है उसमें अभिव्यक्ति भी होती, तो जो हमारे बच्चे हैं वो उनके दादा नानी से जितना सीख पाते हैं तो वो जो एक संप्रेषण है आपसी अभिव्यक्ति है बहुत दृढ़ हो सकती है। मैं यह भी मानता हूं कि एक बहुत कार्य करने की क्षमता, दूर तक सोचने की क्षमता और जितना उतार चढ़ाव लोग देखते हैं अपनी जिंदगी में और एक अनुभव प्राप्त करते हैं और एक पौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं, यदि हम उन्हें शिक्षित करते हैं तो वो जो अभिव्यक्ति उनके पास आती है, वो जो एक छुपा हुआ और एक माने में हम ये कह सकते हैं कि जो सीमित दायरे में इतना ज्ञान रहता है वो काफी हद तक दूसरों से शेयर हो सकता है। इससे समाज को भी फायदा है, देश को भी फायदा है। हम अगर चाहे उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, इस पृष्ठभूमि में मैं लिटरेसी और एजुकेशन पे भी फर्क करना चाहूंगा। किसी चीज को पढ़ लेना, अंक गणित जान लेना, अभिव्यक्ति करना एक बात है और उसको सही माने में समझना जो कि अनुभव पर आधारित होता है, वो जो ज्ञान होता है वो दूसरी बात है। तो मैं पौढ़ शिक्षा को इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि वहां ज्ञान का भंडार है जो कि अनुभव पर आधारित है, उनमें किसी भी चीज से लड़ने की क्षमता है और जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से वो फेस कर सकते हैं। केवल एक जो वहां पर कमी रहती है वो रहती है अभिव्यक्ति की, और उस अभिव्यक्ति की कमी से चाहे वो भाषा का ज्ञान हो चाहे किसी अंकगणित का ज्ञान हो वो पिछड़े रहते हैं। अगर हम पौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हम कई माने में हमारे कई साथियों की, देशवासियों की, अपने कुटुंब की सहायता का बीड़ा उठाते हैं और जो अब विकसित समाज में, विकसित अर्थव्यवस्था में हम कार्य कर रहे हैं उससे जो गुण है उनको भी वो समझा सकते हैं। भारत सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जिसमें कि जो लोग सालों से कृषि कर का कार्य कर रहे हैं, अपनी फसल को कैसे बेहतर कर पाए, कैसे उसकी मार्केटिंग कर पाए, तो उन्होंने ई मार्केट प्लेटफॉर्म्स बनाए और कंप्यूटर की जो शिक्षा दी उसके चलते कई कृषक फायदा उठा रहे हैं। कई तरह की ऐसी पद्धतियां थी जो कि पुराने समय में थी, उसमें उसको और कैसे बेहतर कर पाए, तो ये प्रश्न भी उठता है कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, क्या वो उस वातावरण के लिए प्रासंगिक है या नहीं है। उस देहात के वातावरण में भी जो जो चीजें हमारी नगरीय क्षेत्र की है जो प्रासंगिक है उतना ही उनको बताया जाए, उसी कंटेक्स्ट में बताया जाए ताकि वो रेलेवेंट रह सके, चाहे वो कौशल विकास हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या किसी भी चीज का हो। उनकी जो जीवन शैली है,
जो उनका अपना जीवन यापन का एक तरीका है, अगर हम उसमें सहूलियत प्रदान कर सकें, ऐसी शिक्षा हो, तो वो ज्यादा कारगर होगी, रादर देन कि हम उसे अपने हिसाब से उनके ऊपर थोपें। हम अपने हिसाब से कई चीजें थोपने का प्रयास कर चुके हैं, उसमें देखा कि जो उसमें फिर एक ऐसा इम्बैलेंस आ जाता है कि वो अपना पुराना धरातल भी भूल जाते हैं और नए धरातल से जुड़ नहीं पाते, बिकॉज उसमें बहुत गैप है। तो पौढ़ शिक्षा को भी हम कैसे प्रासंगिक बनाएं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो हम जानते हैं पहले उस हम वातावरण में रहे, फिर हम समझे कि इसमें क्या क्या चीजें प्रासंगिक हैं, और हम अपनी विधाओं को, अपने ज्ञान को लेकर के उनके जीवन में और कैसे सहूलियत पैदा कर सकते हैं, बनिस्पत इसके कि हम उस ज्ञान को थोपें और वो अपने जो धरातल है उससे भी हट जाए और नए धरातल से जुड़ भी ना पाए। ये समस्या इस उम्र में हम लोगों के साथ भी होती है, हम लोगों के साथ भी होती है, हम लोगों के सबके बच्चे बड़े हैं, कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई किसी संस्कृति में पढ़ के आया, लेकिन उनकी विचारधारा और उनका ज्ञान, वो लोग भी हमसे कहते हैं लाइक माई डॉटर टेल्स मी डैड यू आर रियली इलिटरेट बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई डू नॉट नो व्हिच दे नो। तो वो गैप तो हमेशा रहेगा, इट्स कंपैरेटिव लिटरेसी इलिटरेसी, द टाइप ऑफ इंग्लिश शी स्पीक्स, द टाइप ऑफ थिंग्स शी कैन डू ऑन कंप्यूटर, आई एम विद नॉट 20% of what she can do। So, हम भी एक माने में, हम में से भी कई लोग हैं, एंड आई एम, जब तक कम्युनिकेशन की बात आती है, किसी हाई टेक्नोलॉजी की बात आती है, आई मे बी इलिटरेट टू दैट एक्सटेंट। सो ये बहुत ही कंपैरेटिव चीज है कि क्या लिटरेसी, मतलब थ्री थ्री आवर्स फोर आवर्स जान लेना, तो वो तो एक चीज हुई, लेकिन उसको हम अपने वातावरण के लिए कैसे रेलिवेंट बनाते हैं वो भी दूसरी चीज हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं इसमें समझता हूं, एक तो यह है कि रिवर्स लर्निंग, जो उनको पढ़ा करके अब उनके दिमाग में जितना ज्ञान है वो ज्यादा अभिव्यक्त करके हम लोग भी उससे ज्यादा सीख सकते हैं, एक रिवर्स लर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, वुमेन इज दिस कैटलिस्ट फॉर द होल फैमिली, कैटलिस्ट ऑफ चेंज। मैं ये मानता हूं कि वुमेन जो है वो पांच मस्तिष्कों को और पांच जो उदर है जहां भोजन ग्रहण करता है व्यक्ति, उसको नियंत्रित करती है। हमारी जितनी वैल्यूज हैं फैमिलीज में, अदरवाइज जितने भी हमारे सोचने की, और हमारी जो इमोशनैलिटी है वो बहुत हद तक घर में महिला है उससे नियंत्रित होती है, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से। तो जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो ये भी मान के चलना चाहिए कि अगर हमने उसको लिटरेट किया है तो वह कई व्यक्तियों के अपने परिवार में मूल्यों को और उनके भावनाओं को अफेक्ट कर सकती है। मैं इसको ऐसे बड़े व्यापक रूप में देखना चाहूंगा। इसी के साथ कई ऐसी चीजें हैं लाइफ में जिसमें किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो समझ बढ़ जाती है तो हम जिंदगी के स्तर को बेहतर कर पाते हैं। चाहे वो प्रिवेंटिव हेल्थ हो, हम योगा की बात करें, चाहे सफाई की बात करें, चाहे हम सही बारे में फूड की बात करें कि किस तरह का फूड पकना है, कैसा फूड पकना है, हम पेंटिंग की बात करें, कला की बात करें, ये चीजें भी उस अशिक्षित समाज में बहुत अच्छे से की जाती हैं, पर ये नहीं मालूम रहता है कि हम क्यों कर रहे हैं। वो पहले से सीखते हैं कि हाँ इस खाने में ये डलना चाहिए, ऐसे में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत समय से होता आया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लेकिन वो उसको उसका अगर कारण समझे तो कारण कुछ बता पाएंगे कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन करते आए क्योंकि घर में ऐसा होता रहा है। तो ये भी नहीं कि कला नहीं होती उस ग्रामीण क्षेत्र में भी, अशिक्षित क्षेत्र में भी, चाहे जब कोई उत्सव होता है तो दीवार पे कोई मांडने बनाने हो, चाहे जमीन पे हो, तो कला की वहां अभिव्यक्ति है, उनके अपनी तरीके हैं जीवन को जीने के। जंगल में भी जाए तो आदिवासी समाज कई समय से रहे हैं, वो पर्यावरण को समझ रहे हैं, उस पर्यावरण के हिसाब से कई चीजें कालांतर से चली आ रही, लेकिन दोनों ही चीज है कि हम लोग जो ज्यादा पढ़ लिख लिए वो हम मूलभूत चीजों को भूल गए। पहले हमने कृषक को कहा कि तुम गंवार हो, फिर उसको हमने केमिकल्स दिए, फिर उसने अपनी खेती बदली, तब हमें मालूम पड़ा कि सभी केमिकल से होने वाली खेती बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, तो हमने फिर दूसरा स्लोगन तय किया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और वापिस वही गोबर की खाद पे और जो सूखे पत्तों की खाद थी उस पे चले गए।
और कई ऐसी प्रणालियां हैं, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, किस चीज के साथ किस चीज का सेवन करने से ठीक रहेगा, किस चीज के साथ क्या चीज को नहीं खाना चाहिए, ये सारा उनके पास ज्ञान है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं थी। तो ये दोनों तरफ से है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो पौढ़ शिक्षा का अभियान अगर हम चलाते हैं, दोनों माने में चलाएं, कि जो हमारा बेस्ट है हम उनको दें और जो उनका बेस्ट है उनको एक अभिव्यक्ति की ताकत दे कि जो उनका बेस्ट है उसको हम लें, तो दोनों तरफ एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। मतलब हम इससे ना जाएं कि मेरे को ज्यादा अंग्रेजी या हिंदी वो आती है, मैं इसको सिखाने जा रहा हूँ, नहीं, इस उससे जाएं कि अगर मैं इसको अभिव्यक्ति की ताकत देता हूँ तो इनके पास जो अपना अनुभव है, उससे पास जो ऊंच नीच और इतनी कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता है, वो शिक्षा से नहीं आती है, वो एक अनुभव से आती है। वो जो अनुभव है वो हम पौढ़ शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग जिस भी समाज में हैं उन्होंने बहुत दुनिया देखी है और अपने तरीके से उसको निभाया है, जी करके आगे बढ़े, उसका कोई सानी नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है। तो अगर हम इस अभियान को ये समझ के आगे बढ़ाते हैं कि यदि मैं बुजुर्गों को शिक्षित करता हूं तो मैं उनका फायदा नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा ये एक रिवर्स लर्निंग मेरे लिए होगी कि उधर से कई चीजें ऐसी निकलेंगी जो कि मेरे लिए एक अनुभव, एक ज्ञान में इजाफा करेंगी, तो ये दोनों तरफ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं कावा द्वारा की गई इस पहल के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है कि श्रीमती मधु शर्मा जो कि यहाँ इस प्रसंग में अपनी अभिव्यक्ति करेंगी, अपने अनुभव साझा करेंगी, उससे हम सभी को फायदा होगा और हम इस अभियान को एक अपनी कार्य संस्कृति, एक कार्यशैली बना लें, ना कि केवल एक संगठन। संगठन कोई भी चीज प्रारंभ करता है इसलिए व्यवस्थित रूप से कि उसको किसी तरह से पुश दे करके आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर हम इसको जीवन शैली मान करके चले आगे बढ़े तो ये हमारे लिए भी लाभदायक है, जो कि किसी विद्यालय में किसी कक्षा में बैठ करके कुछ सीख करके आए हैं और जो जीवन की कार्यशाला में जो अनुभव प्राप्त करके जो पौढ़ वर्ग है वो जो हमको कई चीजें दे सकता है, जो खजाना है। और मेरे पे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं और मैं कई दफे मेरे बुजुर्ग हैं संजय से भी मैं कई दफे कहता हूँ कि मैं जब अटक जाता हूँ तो मैं कोई ना कोई जातक कथा ढूंढता हूँ और वहां से निकल के आता है। तो वो जातक कथा अनुभव के आधार पे है। मेरी नानी की इतनी कहानियां मुझे सुनाती थी और उस वक्त कहानी के रूप में हमने सुना, लेकिन वो बाद में जाकर के लगता है कि साहब इतना बड़ा ज्ञान, मतलब बेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो हमें अदरवाइज पढ़ाते हैं उसका सार हमें उन जातक कथाओं में मिलता है, जो कि वो अपने उनसे सुन करके और वर्बली एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। और भी कई तरह के अनुभव हैं मौसम के बारे में, हालात के बारे में, जैसे मैंने बताया, जैसे हमारी जो जीवन शैली है उसको देखते हुए। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं पुनः माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा विलंबित हुआ आने में, आप सभी को प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं यहीं पर अपनी भाषण को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रिवर्स लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो आज सर ने दिया है वो आशा है कि सभी इससे काफी लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में एक प्रतिष्ठित प्रवक्ता उपस्थित हैं जो कि प्रौढ़ शिक्षा को कैसे प्रासंगिक किया जाए इस पर अपना व्याख्यान देंगे। मैम को मैं थोड़ा सा ये बता सकूँ कि इस समय हमारे पास जहाँ जहाँ भी CRPF के फैमिलीज रहती हैं वो वेबिनार के थ्रू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी भी कोर्स पूरे जो भी हिंदुस्तान के अंदर हैं वो सब YouTube लाइव और Facebook लाइव के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं डॉक्टर शिवानी चौहान कोऑर्डिनेटर कावा द्वारा इस रजत जयंती लेक्चर सीरीज के तहत प्रौढ़ शिक्षा पे विशेषज्ञ द्वारा लेक्चर का आयोजन कराने हेतु मैं आग्रह करता हूँ। मैम जब होगा शिक्षित हर इंसान होगा तब ये देश महान, इस नारे के साथ मैं डॉक्टर शिवानी चौहान कोऑर्डिनेटर हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संगठन के रजत जयंती समारोह
ये वार्षिक कार्यक्रम की श्रृंखला में तौर शिक्षा पर आयोजित आज के कार्यक्रम बढ़ते कदम में श्री आनंद प्रकाश महेश्वरी जी महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, वरिष्ठ अधिकारीगण, विशेष अतिथि श्रीमती मधु शर्मा, कार्यक्रम के चीफ कोऑर्डिनेटर श्रीमती तनु भंडारी, सीनियर लेडीज, सभी सीसी मेंबर्स व वेबिनार से जुड़े अधिकारीगण, कार्मिक और पारिवारिक सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी को यह भली भांति विदित है कि आज शिक्षा का मानव सभ्यता में एक विशिष्ट स्थान है। भारतीय संस्कृति में तो इसे अमरत्व का साधन भी माना गया है। साक्षरता के महत्व को लोगों ने जाना, समझा और इसी के फलस्वरूप आज शासन प्रशासन 100% साक्षरता हासिल करने के लिए कटिबद्ध है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने के लिए हमें अभी भी कम से कम अगले एक दशक तक निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। हाल ही में 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाना इसी दिशा में एक कदम है। विदित होगा कि लगभग 18% असाक्षरता में देश के प्रौढ़ और बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है, जिन्हें साक्षर बनाने के लिए हमें प्रौढ़ शिक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य ऐसे लोगों को शिक्षित करना है जो किसी कारणवश अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर सके। इसमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं अपितु ऐसे विषयों की जानकारी भी शामिल है जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायक हो, चाहे वे भविष्य की योजनाएं बनाना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी जानकारी हो अथवा अपने अधिकारों व कर्तव्यों से संबंधित जानकारी हो। शिक्षित व जागरूक होकर ही हम आत्मबल विकसित कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं एवं देश के विकास को गति दे सकते हैं। ऐसा करके हम अपने प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इस बात को बखूबी समझता है व इस दिशा में पूरी निष्ठा से कार्यरत है। हमारे बल के हर ग्रुप केंद्र में प्रतिवर्ष प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार के सदस्यों, वरिष्ठ सदस्यों, आसपास के गांव कस्बों के लोगों को कौशल व विकास के लिए विभिन्न अवसर प्रदान कराए जाते हैं। विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों की जानकारी भी दी जाती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी आदि। आज के इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने हेतु हमारे बीच उपस्थित विशेष अतिथि व्याख्याता श्रीमती मधु शर्मा जी का परिचय कराना चाहती हूँ। आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से एमफिल, सिंबायोसिस पुणे से एमबीए की उपाधि अर्जित की है, साथ ही विप्रो से आर्ट ऑफ फैसिलिटेशन स्किल्स में प्रशिक्षण ग्रहण किया है। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी यूके से आपने साइकोमेट्रिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और साथ ही वर्बल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, योग्यता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण में अनुभवी हैं। आप एक प्रमाणित व्यावसायिक सलाहकार भी हैं। आप टीवी राव लर्निंग सिस्टम अहमदाबाद से योग्यता आंकलन हेतु प्रमाणित हैं। आपको रिसर्च, अध्यापन, प्रशिक्षण एवं साइकोमेट्रिक परीक्षण में 30 साल का बृहद अनुभव है और आपने विभिन्न विषयों पर लगभग 5,800 से ज्यादा वर्कशॉप संचालित की है। आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से हम हर्षित हैं और आग्रह करते हैं कि आज के चयनित विषय पर अपने बहुमूल्य विचारों से इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों व सदस्यों का ज्ञानवर्धन करें। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमती मधु शर्मा तीनों स्पीकर से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय महेश्वरी साहब जो महानिदेशक हैं सीआरपीएफ के, वरिष्ठ अधिकारीगण, मेंबर कावा, सीनियर अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त परिवार लोगों को हार्दिक अभिनंदन करती हूं और इस रजत जयंती के अवसर पर बधाई भी देती हूं। और ये मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में आपकी ये जो संस्था है कावा, ये और मजबूती से आगे बढ़े और अगर जीवन रहा तो आपके स्वर्ण जयंती पे भी आके मैं बोलना चाहूंगी। ये
मेरा एक सपना था कि मैं फोर्सेस के लिए कुछ करूं, तो आईजी यादव साहब ने मुझे ये मौका दिया था आज से 5 साल पहले, और मैं महेश्वरी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि मुझे मौका मिला है कि पूरे देश के फॉर्मेशंस के साथ जुड़ने के लिए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो कि मुनासिब नहीं होता अगर मैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी जाती। सर ने जैसे बताया है कि मूल्य संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और बड़ों से सीखने के लिए भी हमको बहुत कुछ मिलता है, तो आज इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एनएसएस की गाइडलाइंस के हिसाब से संगठन ये प्रौढ़ शिक्षा वृक्षारोपण इसका प्रोग्राम आगे कर रहा है, बट जीवन शैली में इसको हम आगे कैसे लेके जाएं? एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान किस तरीके से होना चाहिए हर पर्सनल और उनके परिवार के साथ, इसके ऊपर मैं थोड़ा कहना चाहूंगी। कावा ने 25 साल किए हैं, और जैसे कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, विविध एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो वृक्षारोपण है, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन है, चाहे वो रक्तदान है, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी है, चाहे वो सीआरपीएफ का मेला भी है जो अक्टूबर में बड़े चाव से मैं आती हूँ जेएनयू में, क्योंकि तरह तरह की चीजें वहां पे मिलती हैं, तो वो सब भी आपके द्वारा ही होता है। तो इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि इस वेबिनार के कुछ नियम बने, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, सबसे पहले जैसे कि सर ने बोला, रिवर्स लर्निंग बहुत जरूरी है, रिवर्स लर्निंग के साथ नियम का होना भी बहुत जरूरी है, और उन नियमों में जैसा कि आप लोगों ने किया ही है अपने ऑडियो को म्यूट। दूसरी चीज है, क्वेरीज जो है वो आखिर में ली जाएंगी, क्योंकि हम समय के अगेंस्ट चल रहे हैं, समय हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस वेबिनार का, ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम एक इंडिविजुअल प्लान की बात कर रहे हैं तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कि हमारे जो वीर भाई हैं वो किस तरह से अपने परिवार पे भरोसा करें, यानी कि वो नहीं करते हैं और भरोसा करें, ताकि वो जिम्मेवारी लेने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि अगर परिवार में हर सदस्य अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाता है तो होता यह है कि घर में एक हार्मनी का माहौल बन जाता है, और उसके कारण फिर कॉल ऑफ ड्यूटी में तनाव कम रहता है। तो कावा ने ये प्लेटफॉर्म हमको दिया है कि डे टू डे इश्यूज पे हमने बात करनी है, तो जैसे एक बच्चा नन्हे कदम लेता है, इसीलिए मैंने इसका नाम भी बढ़ते कदम रखा है। मैं 11 कदम के बारे में बात करूंगी, 11 छोटे छोटे नन्हे कदम। एक तरफ से परिवार लेता हुआ आएगा, दूसरे तरफ से पर्सनल लेते हुए आएंगे, जिम्मेवारियों को अपनी बांट के चलेंगे साथ में, सारा लोड अपने आप पे लेने की जरूरत नहीं है। जब हम एडल्ट लर्निंग की बात करते हैं तो एडल्ट लर्निंग में दो चीजें हैं, एक कि जरूरी नहीं है कि अगर हम लिखे पढ़े हैं तभी हम होशियार हैं, या लिखना पढ़ना भी जरूरी है। आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां पढ़ाई के अलावा समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, और पढ़ाई के बिना भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, पढ़ाई के बिना भी हम अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। इस पे मैं आपको आगे भी समझाऊंगी कैसे। एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ये मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में आ रही हैं, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, पर मैं आपको चित्रों के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा और हिंदी में बोल के समझाऊंगी, क्योंकि जब हम सुनते हैं और जब हम देखते हैं तो ज्ञान हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, पर जरूरत ये भी है कि इसको हम घर जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एक काउंसलिंग सेशन है, और इस तरीके के काउंसलिंग सेशन मैं और भी बहुत संस्थाओं में लेती हूँ, मल्टीनेशनल्स में लेती हूँ, तो वहां पे मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे एक मौका और दिया जाए, जब मैं समस्त परिवार और पर्सनल को आके 2 महीने या 3 महीने के फॉलोअप प्रोग्राम में मिलूं, और ये जानने की कोशिश करूं कि उन्होंने 11 कदम में से कितने कदम आगे लिए हैं, और
कितने कदम पीछे रखे हैं और क्यों पीछे रखे हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो ये केवल एक वेबिनार के ही स्तर पे रह जाता है। तो इस युग में क्योंकि वैल्यूज भी बदल रही हैं, संस्कारों में भी चेंज आ रहा है, तो हमें अपनी सोच भी बदलनी है, हमने अपने नकारात्मकता को निकाल के फेंकना है और किस तरीके से हम पॉजिटिव रहें नकारात्मक सिचुएशन में भी, ये जरूरी है। और अपने व्यवहार को किस तरीके से हम रोज बेहतर बनाएं, सीखने के लिए बहुत कुछ है और रोज सीखना चाहिए, क्योंकि आज के युग में ज्ञान और नॉलेज इतनी तेजी से बदल रहा है कि जो चीज हमने आज से 75 दिन पहले सीखी थी उसको अब खिड़की के बाहर फेंकने का समय आ गया है। हमारी जनरेशन ने कोडिंग अब जाके सीख रहे हैं, बट नई शिक्षा प्रणाली के मुताबिक हमारे बच्चे 6ठी क्लास से कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे, 8वीं क्लास से वो इंटर्नशिप करेंगे। ये आपके बच्चों का भविष्य है, तो उसमें आपने किस तरीके से रोल मॉडलिंग करनी है, किस तरीके से अपने परिवार के साथ रहना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मौखिक तरीके से भी मैं बोल रही हूँ और आपको मैं पिक्चर दिखा के भी समझाने की कोशिश करूंगी, और कहीं भी अगर आपको समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत है, आप बिना हिचक के सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार हम सवाल पूछने से झिझकते हैं, हमको लगता है कि अगर हमने सवाल पूछा तो हमारे सीनियर अधिकारी हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे साथी सोचेंगे कि अरे इसको तो इतना भी नहीं समझ आया, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं JNU में जब पढ़ने के लिए आई, छोटे शहर से आई थी, जबलपुर से आई थी, और वहां पे हिस्ट्री में मैंने गोल्ड मेडल लिया था, तो अपनी यूनिवर्सिटी की तो मैं टॉपर थी, पर JNU के हिसाब से मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। बिपिन चंद्रा जो एक बहुत फेमस इतिहासकार हैं, वो क्लास ले रहे थे नेशनल मूवमेंट की, और बार बार वो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, कॉम्प्रेडोर। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था और सबसे आगे बैठ के मैं नोट्स लिख रही थी, तो घर जाके डिक्शनरी में देखा तो डिक्शनरी में मिला नहीं, क्योंकि हमारे टीचर ने छोटे शहर में बताया नहीं था कि हिस्टोरिकल टर्म्स की डिक्शनरी अलग है। और ईगो इतनी ज्यादा थी कि टॉपर होके क्लास में सवाल कैसे पूछें, सब साथी लोग हंसेंगे। 3 दिन के बाद झिझकते हुए जब मैं पहुंची और सर से मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा तुमने क्लास में पहले दिन क्यों नहीं पूछा? छोटे शहर के सीधे साधे सच्चे इंसान होते, झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। तो हमने बोला, सर इसलिए नहीं पूछा कि हमारे सारे फ्रेंड्स हम पे हंसेंगे। तो उन्होंने जो बात मुझे समझाई, आज मैं अपनी हर ट्रेनिंग में बोलती हूँ कि जो समस्या आपके समझने में आपके लिए इतनी बड़ी हो सकती है, आपके साथी के लिए इतनी सी हो सकती है। तो अपने साथी के बारे में सोचे बिना कि क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक ही बीमारी बहुत ज्यादा है, लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी से हमें दूर ही रहना है। आपने डाउट क्लैरिफिकेशन करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने कॉल ऑफ ड्यूटी में भी हैं, कोई आपको निर्देश समझ में नहीं आया है, आपने प्लीज अपने सीनियर से उसका क्लैरिफिकेशन जरूर लेना है। और जिस तरीके से कॉल ऑफ ड्यूटी में आप एक टीम बना के चलते हैं, उसी तरीके से आपको घर में भी एक बहुत बढ़िया टीम अपने परिवार के साथ बनानी है, जहां हर परिवार के सदस्य ने पहल करनी है जिम्मेवारी लेने के लिए। दिमाग खुला हुआ होना चाहिए ताकि नई चीजें हम सीख सकें। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मेरी 4 साल की बच्ची ने एक दिन मेरी गोदी में बैठ के गालों को ऐसे पकड़ के प्यार से मुझे बोला, मम्मी जो चीज मार के बताती है प्यार से नहीं बता सकती। उसने मुझे एक आईना दिखा दिया और उस आईने में उसने मुझे ये दिखाया कि मम्मी तुमको गुस्सा क्यों आता है हर चीज पे। मैंने भी सोचना शुरू किया, भाई मुझे गुस्सा क्यों आता है। 3 कमियां मुझे अपने अंदर नजर आई। सबसे पहली कमी, मैं एक अच्छा टाइम मैनेजर नहीं थी। मैं या समय के आगे चलती थी या समय के पीछे चलती थी, समय पे कभी नहीं चलती थी। ये मेरी पहली कमी थी। दूसरी कमी,
नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाओं पे मेरा नियंत्रण नहीं था। मुझे गुस्सा आता था, मैं चिड़चिड़ी थी, मुझमें ईर्ष्या थी, मैं दुखी रहती थी, मैं असुरक्षित महसूस करती थी, मैं अपने आप को बेचारा भी समझती थी। तो जब गिनने बैठी तो मेरे अंदर 11 इस तरीके के नकारात्मक भावनाएं थी। कम करने की कोशिश की है, असर अभी भी बाकी है और काम जारी है। और तीसरी चीज जो मैं नहीं कर पाई थी, एक संतुलन नहीं बना पाई थी अपने घर का और अपने बाहर के काम का। और आज एज अ जेंडर स्पेशलिस्ट मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी के साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। जब आपने फैसला किया है कि आप घर के बाहर काम करने के लिए आई हैं, तो आपने उम्मीद से ज्यादा काम करके देना है। क्योंकि हमारे अगेंस्ट दो चीजें हैं, एक विमेन को कोई सीरियसली लेता नहीं, और अगर लेते भी हैं तो हमको 10 बार प्रूव करना पड़ता है कि हम भी सक्षम हैं कार्य करने में। और आज हमारी इतनी वीरांगनाएं आ रही हैं सीआरपीएफ में भी, अगर आप वो उनको मोटरसाइकिल्स पे जब मैंने देखा था मेरा दिल गदगद हो गया था, इतना अच्छा वो कर रही थी। और जब मैं अजमेर के ग्रुप सेंटर में जाके मैंने जब इंडक्शन प्रोग्राम किया था उन बच्चियों के साथ सीआरपीएफ की कैप लगा के, वो खुशी का अंदाजा जो है मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ। तो हमने किस तरीके से जेंडर बायस के ऊपर उठना है, और ये चीज हमने अपने बच्चों को भी सिखानी है क्योंकि हमने उनको आगे के युग के लिए तैयार करना है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, वो कोई उम्र नहीं होती है सी चीजें सीखने के लिए। जिस दिन से आप फैसला करते हो कि आपने कोई चीज सीखनी है, आप सीखना शुरू करेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज, जौहरी विंडो, खैर अभी तो मैं पूरा समझाने के लिए नहीं हूं, बट दोहरा फीडबैक देना बहुत जरूरी है। एक पति को पत्नी को फीडबैक देना जरूरी है, पत्नी को पति को फीडबैक देना जरूरी है। जिस तरीके से सीनियर जूनियर को फीडबैक देते हैं, तो कई बार सीनियर को जूनियर से भी फीडबैक लेना जरूरी है क्योंकि ग्राउंड पे वो रहते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन को मजबूत कर देती है। और जब आप छुट्टी जाते हैं, वापस जाते हैं, आपने अपने आप को इस तरीके से बच्चों के सामने पेश करना है ताकि आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाएं। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बच्चों के पास केवल दो रोल मॉडल हैं, या टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं। टीचर्स ज्यादा टाइम दे नहीं पाती हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को 21वीं सदी के हिसाब से तैयार करें, तो हमको उनको संस्कार भी देने हैं और रोल मॉडलिंग भी करनी है। जो चीजें हम उनको सिखाना चाहते हैं हमें उनको करके दिखाना होगा। और आपको बहुत सी चीजें, आपको अभी जो मैं आपके सामने ट्रे में बहुत सी चीजें लेके आ रही हूँ, और आपने उनमें से देखना है कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है और इमिजिएटली आपने लेना है। पर अगर मैं बोलती हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है, तो मैं साथ में आपको ये भी कॉशन करूंगी कि टेक्नोलॉजी के ऐप भी होते हैं, तो उनसे आपको दूर रहना है। तो आपने बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होके करना है। अभी आप अगर देखें तो हमारे जो वीर भाई हैं, अलग अलग मैं जितनी पिक्चर्स इकट्ठी कर पाई, हर जगह ड्यूटी पे रहते हैं, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे वो कोविड से रिलेटेड ड्यूटी हो, चाहे वो बाढ़ पे हो, चाहे कमीशंस पे हो, फ्रंट पे हो, वहां पे भी वो भाई सब रहते हैं। और इन सब के रहने के लिए सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी होती है फोर्सेस में, वो है फिजिकल फिटनेस। तो मेरा जो पहला कदम है जिस पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ, वो है फिजिकल फिटनेस। अब वीर भाइयों की, अफसरगण की लाइफ सीआरपीएफ में तो बिल्कुल सेट है, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। सवेरे आप जाते हैं पीटी के लिए, गेम्स होते हैं, शाम को गेम्स होते हैं, आपके योगा होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो फिटनेस की तो कोई इसमें है ही नहीं प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर फिटनेस का ख्याल परिवार वाले ना रखें। तो यहाँ पे जो मैं बात कहना चाह रही हूँ कि जो चीज एक रूटीन है फोर्सेस में, लाइफ उनकी सेट है,
परिवार को भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि हमको फिट रहना है। अगर मैं घर की महिला हूँ और मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी है, तो मैं अपने घर के बड़ों का ख्याल तभी रख पाऊंगी, बच्चों को तभी बड़ा कर पाऊंगी जब मैं फिट हूँ। अगर मैं ही फिट नहीं हूँ तो मैं कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए सक्षम भी नहीं होंगी। और हमारे हिंदुस्तान में हम प्रिवेंटिव मोड में नहीं रहते हैं, हम पहले बीमारी को इनवाइट कर लेते हैं, और बीमारी को इनवाइट करने के बाद जब हमारा शरीर टूटने लगता है तब हम भागने लगते हैं डॉक्टरों के पास, जो कि गलत है। 40 से 45 के बीच की जो उम्र है वो एक ऐसी उम्र है जिसमें मैक्सिमम बीमारियां हमको स्ट्राइक कर सकती हैं। तो अगर हम तंदुरुस्त हैं, आज हम मास्क लगा के बैठे हैं, बट अगर हमारे लंग्स स्ट्रांग हैं, हमारे हार्ट स्ट्रांग है, हमको शुगर की बीमारी नहीं है, हमको बीपी नहीं है, हमको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हम अंदर से स्ट्रांग है। तो अगर हम अंदर से स्ट्रांग है तो इन्फेक्शन हमको जल्दी नहीं लगेगा। तो फिजिकल फिटनेस में हमारी जो बहनें घर में हैं, फैमिलीज जो घर में हैं, उनको क्या करना चाहिए? घर का काम आप करते हैं, कोविड ने हमने भी घर का काम बहुत किया, तो पहले हाथ चलते ही नहीं थे, हाथ सिर्फ कीबोर्ड पे चलते हैं या लैपटॉप पे या फोन पे या गाड़ी पे चलते हैं। टीवी भी ऑफ करना है तो रिमोट से है, एसी ऑफ करना है तो रिमोट से है, मसाला पीसना है तो एक बटन दबा दिया, कपड़े धोने हैं तो एक बटन दबा दिया। तो ये हाथ बड़े मजबूत नहीं थे, यहाँ दर्द होता था, जुड़ जाते थे। पर जब काम वाले ही नहीं आए, 3 महीना सब्जी काटनी शुरू की, आटा गूंदना शुरू किया, तो सारे हाथ के दर्द वर्द सब ठीक हो गए। फिर हमने फैसला किया कि भाई दवाई खाने से तो अच्छा है खुद ही काम कर लो, अब तो वैसे भी डर लगता है कि पता नहीं भाई कोविड ना लेके आ जाए, काम करना ही शुरू कर दिया, तो हाथ भी फिट, हम भी फिट। पर एक चीज जो मैं नियमित तौर पे करती हूँ वो है 10,000 कदम रोज पैदल चलना। बारिश हो रही है तो आप घर में ही लेफ्ट राइट शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आप माइंड से क्लॉक रखेंगे तो 40 मिनट अगर आप नॉनस्टॉप चलेंगे पैदल तो आपके 10,000 कदम होने की उम्मीद है। कदम ताल आपकी कैसे है? नहीं तो स्मार्टफोन आज सबके पास है, डेटा सबके पास रहता है फोन में, क्योंकि व्हाट्सएप सब बहुत चलाते हैं। अब व्हाट्सएप में शिकायतें भेजने के बजाय एक ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री स्टेप ट्रैकर, तो वो जब तक आपके पास रहेगा, एक छोटी सी थैली अपने सलवार के साथ या अपने साड़ी के साथ जैसे गुच्छा लटकाते थे वैसे आप लटकाइए फोन, और जितने कदम आप चलेंगे तो वो बताएगा आप कितने कदम चल रहे हैं। सो दैट इज इट। फिर आप नियमित तौर पे 15-20 मिनट निकाल के योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिल पे सामान लेने जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस बरकरार रहेगी। अब आते हैं दूसरे कदम पे। दूसरे कदम पे जो है वो है हमारी हेल्थ, यानी कि हमारा स्वास्थ्य और हमारे परिवार का स्वास्थ्य। अब अगर देखा जाए CRPF में तो यहाँ पे फिर भाई लोगों की जो है लाइफ बिल्कुल सेट है। कैसे सेट है? आपका रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन की जिम्मेवारी कौन लेता है? CRPF लेता है, यानी कि फिटनेस का जिम्मा CRPF का है, आपको फिट रहना है। अब घर में हमने क्या करना है कि एज अ फैमिली हर पर्सनल की ये जिम्मेवारी है कि ये इंश्योर करें कि परिवार में हर सदस्य, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे पत्नी हैं, चाहे बच्चे हैं, सबके डिपेंडेंट कार्ड्स बने हुए होने चाहिए, पहली बात। और जब आप छुट्टी पे आते हैं साल में एक बार या जितना 2 बार भी अगर आप आते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने परिवार का पूरा मेडिकल करवाएं। मेडिकल करवाने की फैसिलिटी आपको CRPF के सेंटर में भी मिल जाएगी, नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप CGHS के कार्ड्स बनवा लीजिए। CGHS के कार्ड्स बनने मुश्किल नहीं है,
मैं जब देख रही थी और बना रही थी तो वेबसाइट है cghs.nic.in, बट जब मैं कार में आ रही थी तो जब मैं बात कर रही थी जो मेरे को लेके आए थे अधिकारी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फॉर्म तो सीआरपीएफ के ऑफिस से ही मिल जाता है और वहीं से पूरा भर जाता है। तो आपने सीआरपीएफ से अपने सीजीएचएस के कार्ड पूरे परिवार के लिए निकलवाने हैं। ये प्लास्टिक का स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है और इसको आपने बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। अगर ये खो जाता है तो इसकी रिपोर्ट आपको पुलिस थाने में करनी पड़ेगी और इसको अगर डुप्लीकेट इशू करवाना है तो ₹50 दे के ये इशू होता है। इस वेबसाइट को जो मैंने लिखा है इसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपके इलाके में जहां आपका परिवार रहता है, कौन कौन से अस्पताल हैं जो इम्पैनल्ड हैं। अगर आप छोटे से शहर में या छोटे से गांव में रह रहे हैं जहां अस्पताल नहीं है तो वहां डिस्पेंसरीज होती हैं, और अगर डिस्पेंसरी भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, तो इमरजेंसी में परिवार को ये आपने जागरूकता देनी है कि वो कोई भी अस्पताल में चले जाए। ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि जान को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये सारे बिल वगैरह लेके जब आप आएंगे तो इनके रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी भी है, जो कि आज की डेट में बहुत लोगों के पास ये जानकारी नहीं है। तो जब आप ये वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी एम्पैनल्ड अस्पतालों की, डिस्पेंसरियों की, दवाइयां कैसे लेनी है, क्लेम कैसे सेटल करने हैं और बिल्स को कैसे पेमेंट करना है, और कई बार आपने स्टेटस चेक करना है कि मेरा रीइंबर्समेंट कहां तक पहुंचा है, इसकी भी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिलेगी। बट ये सब करने के बाद आपको एक और चीज करनी होगी, आपकी भाषा में जैसे बोलते हैं रेकी करना। कोई भी नए इलाके में जाते हैं तो आप रेकी करते हैं ना, तो जब आप गांव में आते हैं या अपने परिवार के पास छुट्टी में आते हैं तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप अपने परिवार के सदस्यों को इन अस्पतालों में या डिस्पेंसरियों में, जैसे हम घूमने कहीं जाते हैं, आप घुमाने ले जाएंगे और इनको पूरी एजुकेशन देंगे कि किस तरीके से अगर कोई बीमार है तो एम्बुलेंस कैसे बुलानी है, क्योंकि घर में बुजुर्ग पेरेंट्स रहते हैं, एम्बुलेंस कैसे बुलानी है, फिर आपने ओपीडी में कैसे जाना है, भर्ती कैसे कराना है। केवल कार्ड दे देने से आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, आपने उनको यहाँ पे भी ये ज्ञान देना है कि हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी, ये डिस्पेंसरी है, कि किस तरीके से आपने इमरजेंसी में जाना है। और फिर आज की डेट में सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। कई बार होता है कि आप जाते हैं, डॉक्टर साहब अपना कमरा बंद करके चले गए होते हैं, सीजीएचएस की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हैं। और आज की डेट में आपके बच्चे स्मार्ट हैं, फोन चलाते हैं, डेटा चलाते हैं, तो उनको गेम खिलाने के बजाय इन चीजों की जिम्मेवारी दीजिए, ताकि जब आप ड्यूटी कर रहे हों तो आपके मस्तिष्क में सुकून रहे, तनाव नहीं रहे। देखिए, कई बार जब हमको खबर मिलती है कि घर में किसी की तबीयत खराब है, आपको छुट्टी भी मिल जाएगी, पर ऐसे हालात में आप क्या करेंगे कि आप जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं और आपका परिवार बिहार में बैठा हुआ है, आप जल्दी से जल्दी भी पहुंचेंगे तो भी 1-1.5 दिन लगेगा और इमरजेंसी में 1 मिनट भी भारी पड़ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेवारी में भी भागीदारी, किसके साथ, परिवार वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, क्योंकि जब आप ड्यूटी पे हैं, आपने कार्ड का साधन दे दिया है, आप छुट्टी भी आ रहे हैं, पर आपको आने में अगर कुछ टाइम लगेगा, उस बीच क्या आपने अपने परिवार को ट्रेनिंग दी है इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग परिवार को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हमको तंदुरुस्त रहना है
तो तंदुरुस्त रहने के लिए एक पौष्टिक आहार का खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें आपके पास ये अगर आप फोटो देखें कि फल भी होने चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, पूरे आहार बैलेंस्ड होने चाहिए और खाने चाहिए। कम से कम 3 मील्स तो आपको जरूर खाने हैं। नाश्ता आपने बहुत बढ़िया करना है, लंच आपने बहुत बढ़िया करना है, रात का जो डिनर है इसको, जो रात का खाना है ये हल्का खाना है। और घर में बुजुर्ग हैं उनको खास करके ये जरूर जाके बताइएगा कि रात का खाना हल्का खाना है और सोने के कम से कम 3 घंटे पहले खाना है। उसका भी एक कारण है, साइंटिफिक कारण है कि खाना हजम होने में टाइम लगता है। अगर हम खाना खा के एकदम से लेट जाएं तो जो ऑक्सीजन हमारे दिल और दिमाग की तरफ जाना चाहिए वो हमारे पेट की तरफ जा रहा है। तो जो मैक्सिमम हार्ट अटैक्स या लकवा होते हैं बड़े लोगों को, वो रात को ही आते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है, सोने के पहले पानी जरूर पी के सोना है। हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं पानी पीने से कतराते हैं, खास करके 60 साल की उम्र के बाद पानी पीने की इच्छा वैसे ही शरीर में कम होने लगती है। तो एक तो इच्छा कम हो रही है, दूसरा आपने अपने आप को फोर्स करना है पानी पीने के लिए। चौथा कदम जो मैं बताना चाहती हूँ वो है फैमिली बॉन्डिंग, कि किस तरीके से एक आपसी रिश्ते को हमने मजबूत करके चलना है। अभी आप घर से दूर रहते हैं और काफी लंबे अरसे तक आप दूर रहते हैं, तो आपके परिवार को अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि त्योहार आ रहे हैं या घर में कोई शादी ब्याह हो रहा है जिसमें आपको पहुंचना जरूरी है बट आप पहुंच नहीं पा रहे, तो ये एक तनाव का कारण बन जाता है। तनाव का कारण यूं बन जाता है कि घर के बड़े लोग ताना देने लगते हैं। अब वहां पे जब ताना मिलता है तो सबसे पहले हाथ व्हाट्सएप पे ही चलता है और वो व्हाट्सएप से मैसेज पहुंच जाता है लोकेशन पे जहां पे ड्यूटी चल रही है और वहां पे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में परिवार की क्या जिम्मेवारी है, आपने लीड करना है। आप घर के सदस्य हैं, आप घर पे रहते हैं, आपने लीड करना है। जो लेडी वाइफ है वहां पे, जो वाइफ है, पर्सनल की जो वाइफ है, उन्होंने लीड करना है। किसको? घर के बड़े बुजुर्गों को अपने साथ लेके चलना है, बच्चों को आपने अपने साथ लेके चलना है। आपने ये करना है कि हर फंक्शन में, चाहे आपके पति आ पाए या नहीं आ पाए, आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है। आपने अपने परिवार को रिप्रेजेंट करना है और जो भी व्यवहार लेन देन करना है आपने उनकी एब्सेंस में करना है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से परिवार की जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो रिश्तों में थोड़ी सी अड़चन आ जाती है, जिससे कि घर का जो माहौल है थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाता है। मैसेजेस जाने लगते हैं तो ड्यूटी पे भी तनाव बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे आपने लीड लेके चलना है, आप जिम्मेवारी से आगे बढ़िए, बड़ों को साथ लीजिए, रिश्तों को मजबूत कीजिए, ताकि आपका जो पहल आप कर रही हैं उससे आप अपने पति के कंधों से बोझ हल्का कर रही हैं। क्योंकि जब आपने बोझ हल्का कर दिया, घर में खुशी का माहौल है, बड़े भी खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश हैं, सोशल ओकेजंस पे आपकी प्रेजेंस भी है, लेन देन भी आपने ठीक कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो भी तनाव से दूर रहेंगे। ये देखिए, जैसे शादी हो रही है आप रिप्रेजेंट कीजिए। कई बार होता है दुर्गा पूजा के टाइम बंगाल में होना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए बट नहीं मिली, तो आप उन फंक्शंस को एंजॉय कीजिए और उनको तसल्ली दीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार हम साथ मना लेंगे। इस बार अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से जो
साउथ में हैं उनके पोंगल होता है, विशु होता है, ओणम होता है, तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। या ईद आ जाती है तो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें मैनेज करना जरूरी हो जाता है। अब आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आपने देखा है कि आज अगर मुझे एक स्मार्टफोन चलाना है और मुझे लिखना नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाऊंगी या मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकूंगी। व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आवाज के द्वारा पहुंचा सकते हैं। हर घर में फोन होता है, कई घरों में कंप्यूटर्स भी आपने लेके दिए हैं, बच्चों को लैपटॉप्स भी लेके दिए हैं, तो यहाँ पे आपने बच्चों को एक संस्कार ये भी देना है कि दादा दादी नाना नानी को साथ लेके चलिए। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम है पर आप उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि सर ने बताया खेतों के बारे में, तो आजकल किसान हाट्स हैं जिन पे टोल फ्री नंबर पे वो फोन पे बात करके सलाह ले सकते हैं कि बीज कहाँ से मिलना है, खाद कहाँ से मिलनी है, फसल कैसे ठीक रखनी है, उपजाऊ कैसे रखना है खेत को, या फिर टेलीविजन पे ये सारी चीजें आ रही हैं। तो अगर बच्चों ने अपने घर के बड़ों के साथ जोड़ दिया है और ये दूरी को कम किया है टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो आपके घर के बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और कभी आप ये सोचिए कि आपके बच्चों ने वीडियो कॉल पे आपके माता पिता से आपको बात करा दी है, आप कितने खुश होंगे। करवा चौथ पे आपकी वाइफ ने आपसे वीडियो कॉल कर लिया और छठ पूजा के दिन आपकी मम्मी ने आपसे फोन कर लिया और वीडियो कॉल कर लिया, तो माँ भी बहुत खुश होगी, आप भी बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पे आपने ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। बट जब हम बोलते हैं इस्तेमाल करना है तो उसका एक रेगुलेटेड यूज होता है, समय से करना होता है। ये नहीं कि सारा दिन आप फोन कर रहे हैं और दूसरे एंड पे फोन रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि काम करने के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे कि मैं जब काम पे जाती हूँ, खास करके जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मेरा फोन हमेशा साइलेंट पे रहता है और मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को बताया हुआ है आप फोन करेंगे इस टाइम मैं फोन उठा नहीं पाऊंगी, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज का जवाब दूंगी या जब ब्रेक होगी तो मैं आपको कॉल बैक करूंगी। मैं बीच में फोन नहीं उठाती, क्योंकि अगर आप बीच में फोन उठा रहे हैं तो आपकी सतर्कता भी घटती है और आपकी उत्पादकता पे भी असर आता है और आपकी जो एक पहचान बन रही है वो एक प्रोफेशनल की नहीं बन रही है। जैसे कि एक फोर्सेस की जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मैंने उनको बोला था कि कॉल ऑफ ड्यूटी पे जब हम रहते हैं और अगर आप फोन कर रहे हैं तो सामने जो पब्लिक है उसके बारे में आपकी छवि बहुत अच्छी नहीं बनेगी, तो आपने फोन का यूज को रेगुलेट करके चलना है। और अभी जैसे हमारी जिंदगी फोन के ही साथ जुड़ गई है, कोविड में ना हम किसी को मिल सकते हैं ना जुल सकते हैं, तो पर अगर हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग है, रिश्तों में दूरी आ गई है, बट इमोशनल डिस्टेंसिंग को कम करने के लिए हम फोन पे बात करते हैं, हम मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फायदा भी है और फैमिली बॉन्डिंग होती है तो परिवार खुश रहता है, एकजुट होके रहता है। ये देखिए जैसे बच्चे अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स को तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं तो अब हमारी कदर कम हो रही है। ऐसा कभी भी किसी को महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए इनसे बहुत कुछ मिलता है। अगर टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज के बारे में मैं बताती हूँ, यहाँ पे दो चीजें हैं। कई बार जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो हमारा जो ये दिमाग है ये शांत नहीं रहता, उत्तेजित हो जाता है, और जब ये हमारा दिमाग उत्तेजित होता है किसी के लिए बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। एक आप बुरा विचार भी लेके आएंगे
तो आपके अंदर एक केमिकल आने लगेगा जिसको कहते हैं एड्रेनलिन। वो एक जोर से ये तनाव को पैदा करता है, वो एक जोर से गोली आपके दिमाग में मारेगा खटैच करके, और एक और केमिकल आपके दिमाग में पैदा होना शुरू हो जाएगा जिसको बोलते हैं कॉर्टिजोल, और वो फिर आपके दिमाग को कमांड देने लगता है, आदेश देने लगता है, अब तुम गुस्सा हो जाओ, अब तुम चिड़चिड़े हो जाओ, अब तुम रोने लगो, अब तुम चिल्लाने लगो। ऐसे ही स्टेट में हम अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्शन। हम रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले फोन उठाया, टक 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 नंबर किया, या तो फोन पे बात करके चिल्ला के अपना भड़ास निकाल दी, या हमने मैसेज भेज दिया इसने ऐसे किया इसने वैसे किया। आधे घंटे में घर में सब कुछ ठीक हो गया है, बट आपका मैसेज पहुंच चुका है और दूसरे को परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हमने और नहीं सीखी हैं, एक तो हमने रिएक्ट करना सीखा है, दूसरा है कि बिगड़े हुए रिश्ते को हमने नॉर्मल करना नहीं सीखा है। क्योंकि दो प्रॉब्लम्स हैं, हमको पहल करना नहीं आता है, हमने सीखा ही नहीं। हम क्यों पहल करें? हम अगर पहल करेंगे तो वो सोचेंगे हम कमजोर हैं, वो हमें और दबाने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरी चीज हमने नहीं सीखी है वो एक सिंपल सा शब्द है, सॉरी। हम सॉरी नहीं बोल पाते ऑफिशियल कैपेसिटी में भी, कभी हम सॉरी बोलते हैं तो हम रैंक के दबाव के कारण बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते हैं। और ये जो चीजें हैं ये हमारी अहम ईगो के कारण आती है। देखिए, घर में और काम में ईगो की कोई जगह नहीं, दो जगह बातें सुननी पड़ती हैं। नौकरी में भी बातें सुननी पड़ती हैं, शादी में भी बातें सुननी पड़ती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है। और टेक्नोलॉजी को इस तरीके से ना यूज करें, थोड़ी अकल लगा के थोड़ी समझदारी के साथ यूज करें, तब जाके रिश्ते मजबूत होते हैं। अब आता है कि छठा कदम, कि हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। एक कैफ में मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया था 3 दिन का, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। उसमें हम एक सीए को भी लेके गए थे, जितने भी ऑफिसर्स ने अटेंड किया था तो सबके हमने पेंशन बेनिफिट्स और वो सब पता कर लिए थे, और उसके हिसाब से कि पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, हेल्थ की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, सबसे ज्यादा अपने समय की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को 12 से 14 घंटे काम करने की आदत हो, सडनली वो घर में बैठ जाए तो ना घर वालों को पसंद आता है कि आके बैठ गए, ना उनको पसंद आता है। तो बाद में ये प्रोग्राम सर्विंग ऑफिसर्स के लिए भी हुआ था। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें आपके संस्था की रिक्वायरमेंट है जॉइंट अकाउंट होना, पर कहीं कहीं अभी भी कमी है नॉमिनेशंस की। ये नॉमिनेशंस हर 5 साल में रिन्यू होने जरूरी होते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और शादी के बाद नॉमिनेशन वाइफ का होता है, ये चीज का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी पत्नी को फाइनेंस हैंडल करना सिखाना है, आपने केवल उनको अकाउंट से पैसे हर महीने खर्च करने के लिए नहीं भेजने, आपने उन पे भरोसा करना सीखना है और उन्होंने आपके भरोसे पे खरा उतरना सीखना है। मैंने तो कई वर्किंग लेडीज को भी देखा है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, बट डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड हस्बैंड के पास है, पॉकेट मनी उनको मिलता है। तो आपके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होने का कोई फायदा नहीं है अगर आप एम्पावर्ड सशक्त नहीं है, क्योंकि इतनी समझ तो होनी चाहिए कि खर्चा कितना करना है, कहाँ करना है। फिर आपने इस चीज का भी ध्यान देना है कि ये जानकारी आपस में शेयर होनी चाहिए। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई। अब आजकल मरने में भी बहुत पैसा लगता है,
आपको एम्बुलेंस के 10,000 देने हैं, फिर सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, चूल्हा ठंडा हो जाता है, हलवाई आके बैठ जाएगा, फिर आपको लेके जाना है, सेरेमनीज में खर्च होता, कम से कम आपके घर में 50-60 हजार रुपए होने चाहिए आखिरी राइट्स के लिए भी, कम से कम बता रही हूं मैं। अब इनके घर में पैसे निकले नहीं, बेटा इनका 9th क्लास में था और ये अचानक उनके ऑफिस में डेथ हो गई थी। तो जनरली होता है कि कोई एक दिन ऐसा होता है कि घर में पैसा नहीं होता है, तो रिश्तेदारों ने दे के पूरा किया, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पैसे की जरूरत पड़ी, तो जब इन्होंने देखा तो घर में ना चेकबुक है, ना इनके पास अकाउंट्स के डिटेल्स हैं, नौकरी इनको करने नहीं दी थी, फिर ढूंढाई मची, तो जब ऑफिस के ड्रॉर टूटे तो सारे डिटेल्स वहां से मिले बट पूरे नहीं मिले। फिर जब कंप्यूटर को हैक करके पासवर्ड लेके कंप्यूटर खोला, तब जाके पता चला कि 60 लाख का मकान का लोन छोड़ के चले गए हैं, छोटा बच्चा छोड़ गए हैं, धन माता जी को छोड़ गए हैं और इनसे काम नहीं करवाया। अब इनसे जब आपने काम नहीं करवाया तो अब घर के खर्चे तो चलने हैं, ना दवाई रुकेगी ना पढ़ाई रुकेगी, तो इसने ट्यूशंस करनी शुरू की। आज ये स्कूल में टीचर है, बट यहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने फाइनेंशियल डिटेल्स को शेयर करें और आपके जो भी पासवर्ड्स वगैरह हैं उनको एक जगह लिख के रखें और आपके जितने एसेट्स हैं उनको आप कंसोलिडेट करना शुरू करें 40-45 के बाद। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम जाने वाले हैं, मैं भी अभी जाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं लंबा प्लान बना के चल रही हूँ कि मुझे आगे लंबा चलना है, बट आपको विश्वास नहीं होगा मुझे एक्सिस बैंक से रोज मैसेज आ रहे हैं, राइट योर विल अनऑफिशियली, अनऑफिशियली आप अपनी वसीयत लिखिए। तो जब मुझे ये मैसेज आया तो दूसरे दिन बैंक में जाके जहां जहां नॉमिनेशंस नहीं थे मैंने बच्चों के नाम वाम डालने शुरू कर दिए, बिकॉज देखिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और जितना हम समेट के जाएंगे एजुकेट करके जाएंगे उतना लोगों के लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। और दोनों को कॉन्शियस होना चाहिए प्लानिंग के लिए, तो प्लानिंग में आपके आप रिस्क भी ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं। एफडीज का जमाना चला गया है तो आजकल म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, आपका पीपीएफ में पैसा जमा होता है, तो ये जो स्कीम्स हैं इनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और एक हमारे पापा जब आर्मी में होते थे तो उनके कोर्समेट थे कर्नल रमन, साउथ के थे, तो कर्नल रामन ने मेरी मम्मी को समझाया, बोले कि तुम लोग नॉर्थ के लोग हो ना, ये शोशा में बहुत पैसे बर्बाद करते हो, हमारा साउथ में ऐसा नहीं होता है, हम लोग हर साल बच्चे के जन्मदिन में 1 तोला सोना ऐड करते हैं, तो ये सीख मेरी मम्मी ने मुझे दी। फिर जब हम जम्मू में रहते थे तो जो ब्रिगेड कमांडर थे उनकी वाइफ ने मुझे सिखाया, बोला मधु एक चीज का ध्यान रखना कि फौजी के हाँ पैसा आसानी से निकलता नहीं है बच्चों के गहनों के लिए, तो तुम कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दो। मैंने भी शुरू कर दिया। पिछले साल जब मेरी बेटी की शादी हुई मुझे खरीदना नहीं पड़ा, घर से निकल आया। आज मैं सोचती हूँ तो सोना 50,000 से भी ऊपर तोला है, मैंने खरीदना शुरू किया था जब 2,000 रुपये तोला था। तो ये समझ एक गृहिणी को भी होती है, प्रोवाइडेड उसके ऊपर भरोसा किया जाए। तो यहाँ आपने जॉइंट प्लानिंग करनी है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है कि जब हम फंड से पैसा निकाल के बच्चे को आईआईटी जी की कोचिंग कराते हैं, हमने बच्चा जब होता है तभी उसकी प्लानिंग कर देनी चाहिए कि 10th में पढ़ाई के टाइम कितना जरूरी है, 12th में पढ़ाई के टाइम कितना जरूरी है, कॉलेज में बच्चा जाएगा तो उसको कपड़ों के 6 सेट देने हैं, 2 जोड़ी जूते देने हैं, बिस्तर देना, तो ये सारी प्लानिंग करके आपने चलनी है क्योंकि आपका जो फंड है वो आपके बुढ़ापे के लिए है और आपके पत्नी के लिए है, ना कि ये खर्चों के लिए, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अच्छा, फिर मंथली डेली एक्सपेंसेस भी आपने तैयार करके चलने हैं, एक बजट बना के आपने घर का चलना है। और बहुत सी बार होता है कि बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों से भी सलाह लीजिए। जब हम सोचते हैं बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे होते हैं पर आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, तो आप उनको समझाइए
क्या चीज है, कितनी महंगी है, तो फिर वो जब आपके सामने फरमाइश भी करेंगे तो क्योंकि आपने अपने फाइनेंशियल कार्ड्स उनके सामने खोल दिए हैं तो वो भी आपसे सोच समझ के करेंगे। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसका जरूर ध्यान रखना है क्योंकि आजकल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। तो आपने ये भी देखना है कि कभी कोई बोल देता है कि जरा मुझे डेबिट कार्ड की फोटो भेज देना आगे पीछे की, व्हाट्सएप पे कभी मत भेजिए, कभी भी अपने डेबिट कार्ड और की फोटोज व्हाट्सएप पे नहीं भेजिए क्योंकि मेरे भाई का व्हाट्सएप हैक हो गया था और कार्ड का मिसयूज हुआ था बट उसका फिर बैंक से भी पैसा नहीं मिल पाया था। छोटे शहर में अगर हम होते हैं तो चेकबुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं और जहां अगर बैंक भी नहीं है पोस्ट ऑफिस में पैसा आ रहा है तो किस तरीके से जमा करना निकालना, ये सारी चीजों की एजुकेशन पत्नी के पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पीछे वो आपके परिवार में आपके पेरेंट्स और आपके बच्चों को लेके जिम्मेवारी के साथ रह रही हैं। आपने ये भी देखना है कि डिजिटल ऑप्शंस कैसे यूज करने हैं। अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप ज्यादा नहीं तो 1,000 रुपए पेटीएम में रख सकती हैं, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है ताकि अगर कभी पहले बार या कभी कोई गलती भी होए तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट कोशिश ये कीजिए कि अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो रुपयों से ही लेन देन करें, मतलब फिर ये डिजिटल ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करें। और बच्चों को कितना पॉकेट मनी देना है ये भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है। हमारे बच्चे जब छोटे थे हम उनको पॉकेट मनी नहीं देते थे, टिफिन में जो उनके खाने की इच्छा होती थी वो देते थे। शिमला में एक बार दोनों बच्चों ने गुट बना लिया, बड़ा बच्चा 9 साल का था, छोटी 5 साल की थी, और गुट बना के आए, 10 रुपए देती थी मैं हफ्ते का एक बच्चे को क्योंकि स्कूल में समोसा 2 रुपए का मिलता था। तो मंडे टू फ्राइडे एक समोसा खाओगे तो 2 रुपए का, 5 दिन में 10 रुपए का। तो एक दिन दोनों ने पार्टी बना ली और आके मेरे हाथ पे पैसे रख दिए, बोले ये रखो अपने पैसे, 10 रुपए में कुछ नहीं आता है, जिस दिन हम 2 समोसे खा लेंगे तो दूसरे दिन के लिए बचेंगे नहीं। मैंने जो थे वो भी पैसे वापस ले लिए। मैंने बोला दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के मॉल रोड घूम के आओ और 1 घंटे के बाद हम बात करेंगे। 1 घंटे के बाद दोनों घूम के आए, मैंने बोला क्या एक्सपीरियंस था, बोले मम्मी वो 10 रुपए ठीक है। मतलब क्यों, तुम तो बोल रहे थे कम है, बोले नहीं क्योंकि हमने देखा कि वो जो मूंगफली वाले अंकल बैठे थे और वो जो किडनी शेप की ऑरेंज टॉफी बेच रहे थे 4 आने की, हमारे पास वो भी पैसे नहीं थे, सो 10 रुपीज इज एब्सोल्यूटली फाइन। फिर मेरा बेटा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहां पे उसके फ्रेंड्स अच्छे अमीर थे, बट नॉट दैट कि हम गरीब हैं और हम पैसे नहीं दे सकते हैं, बट हमने एक रेगुलेशन रखी थी कि इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। तो जब बर्थडेज होते थे तो हमने बोला कि भाई तुम्हारे 10 फ्रेंड्स हैं, 200 रुपीज पर हेड के हिसाब से हम तुमको देंगे, अब उसमें चाहे तुम उनको पिक्चर के साथ पॉपकॉर्न खिला दो या पुणे में जाके वो पंचवटी की थाली खिला दो, चॉइस तुम्हारी है, बट इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। बिकॉज अगर वो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स हैं तो फिर वो इंसिस्ट नहीं करेंगे कि तुम्हारे को भी वैसे ही पार्टी करनी चाहिए जैसे कि वो करते हैं। तो ये बात बच्चे को समझ आ गई थी और ये बच्चे को समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है, क्योंकि आपका भी बच्चा 12वीं के बाद अचानक से हॉस्टल में जाएगा और आप उसको एक बैंक अकाउंट देंगे, तो अगर आपने उसको बजट और पैसे की कदर करना नहीं सिखाया है तो फिर वो तो महीने का खर्चा एक हफ्ते में ही कर देगा, फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से थोड़ी पैसा भेजेंगे। फिर हमने देखा कि ये तो हमने बोला कि फैमिली को ख्याल रखना चाहिए, फैमिली को ख्याल रखना चाहिए, कई बार हमारे वीर भाई भी फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं एक अफसर से बात कर रही थी, लोकेशन का मैं नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल दिया और उनकी इजाजत से मैं ये एग्जाम्पल को भी यूज कर रही हूँ। तो उनके एक सबॉर्डिनेट ने आके बोला सर मैं तो एक ऑल्टो कार खरीद रहा हूँ, तो बोले कितने की, तो बोले कि 70,000 की। तो उनको लगा ये 70,000 की इतनी सस्ती कार कैसे खरीद रहे हैं, तो ज्यादा पूछने पे उन्होंने बताया कि नहीं वो एक कोई आर्मी ऑफिसर से हम खरीद रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम जा रहे हैं क्राइसिस सेल है तो 70 में दे देंगे, तो अभी उन्होंने बोला है कि कोई पैसे नहीं देने। थोड़े दिन के बाद ही अफसर ने उनसे पूछा तेरी गाड़ी आ गई,
बोले नहीं, उन्होंने बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा पैसा देना होगा, थोड़ा इंश्योरेंस के लिए देना होगा, ऐसा कर करके उन्होंने पैसे मांगते 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 55,000 तक मांग लिए। 55,000 पैसे इन्होंने उधार लेके दिए थे, अब ना गाड़ी मिली और पैसे भी अब अपनी जेब से उधार के दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक सीनियर ऑफिसर किस तरीके से गाइड करे कि आपके पास ऑप्शंस हैं सेकेंड हैंड कार के भी, चाहे आप हुंडई में चले जाएं, चाहे आप मारुति में चले जाएं, चाहे आप होंडा के शोरूम में चले जाएं, सेकेंड हैंड कार्स के ऑप्शंस हैं जो आपको पूरे कागज के साथ देंगे, वारंटी के साथ देंगे, फ्री सर्विसिंग के साथ देंगे। तो आपने ऐसे फ्रॉड से बचना है, क्योंकि देखिए होता यह है कि आप बहुत बहादुर हैं बट दुनियादारी से आप दूर हैं, आप मासूम हैं, तो कई बार फ्रॉड के चक्कर में आ जाते हैं। और अभी जैसे हम अलग अलग लोकेशंस पे हैं तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आपके आइडेंटिटी को भी क्लोन करके फेसबुक वगैरह पे फ्रॉड्स हो सकते हैं, और अच्छी खूबसूरत लड़कियां भी फोटोज भेज के फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सकती हैं। इसको अंग्रेजी में हनी ट्रैप बोलते हैं, तो उससे जरूर बचना है क्योंकि ये भी एक नए तरीके का फ्रॉड है जो शुरू हो गया है और खास करके फोर्सेस के साथ ज्यादा हो रहा है। माँ जो है, सातवें कदम पे हम आते हैं, माँ जो है वो बच्चे की पहली टीचर होती है। माँ के पास समय भी बहुत होता है, बच्चे के लिए प्यार भी बहुत होता है, मोटिवेशन भी बहुत होता है, प्यार भी बहुत होता है, समय भी बहुत होता है सिखाने के लिए। तो आज की डेट में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि प्री प्राइमरी की, हफ्ते में केवल दो दिन आधे आधे घंटे के लिए, बट आपने अगर बच्चे को काउंटिंग सिखानी है, जोड़ सिखाना है, घटाना सिखाना है, प्लस सिखाना है, माइनस सिखाना है, आपको एक अबाकस लाने की जरूरत नहीं है कि खिलौने की दुकान पे जाके 500 रुपए का अबाकस लेके आ रहे। आप चने के दानों के साथ, राजमा के दानों के साथ, इमली के बीज के साथ भी बच्चों के साथ खेल खेल में ये गिनती उनको सिखा सकते। जरूरी नहीं है कि माँ अंग्रेजी में बोले बिना बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो ऐसे में जैसे कि सर ने बताया था, हमारी जाटक कथाएं हैं, पंचतंत्र कहानियां हैं, अकबर बीरबल के किस्से हैं, रामायण की कहानी है, महाभारत की कहानी है, तो ये कहानियां हम लोगों ने बचपन से सुनी हुई हैं और इन कहानियों में हर एक में एक सीख छुपी है। तो माँ एक अच्छे संस्कार भी बच्चों को कहानियों के द्वारा दे सकती है। फिर आते हैं हम लाइफ स्किल एजुकेशन पे। लाइफ स्किल में बहुत सी चीजें बच्चों को सिखानी है कि अपना काम स्वयं कैसे करना है, जैसे कि अपना बिस्तर ठीक करना। मुझे याद है हम छोटे होते थे, हमारी नानी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जैसे ही हम लोग लेटे रहते थे, सोते रहते थे, तो सबसे पहले वो एक गाना गाना शुरू कर देती थी। और वो गाना होता था, हम बिस्तर अपना जोड़ेंगे, हम नहीं किसी पे छोड़ेंगे। अब उस टाइम हम लोग छोटे होते थे, एडोलेसेंस का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं हमारे को, बट हमको लगता था क्या यार अभी आँख खुली नहीं है, ये गाना गाना शुरू कर देती हैं, अच्छा नहीं लगता था। और जोर से रेडियो लगा देती थी जिसमें सेगल का गाना बजना शुरू हो जाता था, तो फिर हम लोगों को अपना बिस्तर ठीक करके जाना पड़ता था। उसका महत्व हमें आज समझ आया, क्योंकि आज हम बिस्तर से उतरते बाद में ही बिस्तर सबसे पहले अपना ठीक करते हैं। ये बहुत जरूरी है, अपनी अलमारी ठीक करना, अपना कमरा ठीक करना, अपना बस्ता सलीके से रखना, टिफिन निकाल के धोने में डालना, बॉटल निकाल के धोने में रखना, कपड़े मैले में डालना, जूते रैक में रखना। एक माँ के पास ये 7 काम है और अगर 3 बच्चे हैं 21 काम हो गए। तो ये 21 काम अगर आपने बच्चों से करवाए तो आपका वो समय बचेगा और वो समय आपने अपनी सेहत को किस तरीके से बेहतर करना है उसमें आपने लगाना है, क्योंकि बच्चों को आपने आने वाले युग के लिए तैयार करना है और आने वाले युग में हर काम अपने आप करना है। मेरा बेटा अमेरिका में है, वहां पे बर्तन भी धोता है, कपड़े भी धोता है, सब्जी लाके फ्रिज में भी लगाता है, बनाता भी है,
क्योंकि मैंने ये काम उसको बचपन से सिखाए हैं, उसको करने में कोई कष्ट नहीं है। और कल को अगर वो एक वर्किंग लेडी के साथ काम करेगा तो 50-50 जेंडर पैरिटी के बेसिस पे वो गृहस्थी चलेगी, ये नहीं कि एक पे ही सारा लोड आ रहा है। और लड़का लड़की में कोई फर्क ना रखें, क्योंकि दोनों बच्चे हमारे बच्चे हैं, दोनों बच्चे हमारे प्यारे बच्चे हैं। तो लड़के से भी घर का काम करवाइए और लड़की से भी बाहर का काम करवाइए, दोनों को समान एजुकेशन दीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि लड़की को आपने गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, लड़के को आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। समान अधिकार दीजिए। और आज की डेट में आप देखेंगे और आपको बहुत खुशी भी होगी कि आपकी बच्ची अगर इंटरनेट चला रही है, पिताजी ने ये सुविधा आपने उनको दी है, छठी क्लास में आपकी बच्ची कोडिंग कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, कल को वो बड़ी होके कितनी अच्छा काम करेगी तो आपको उस पर गर्व होगा। तो यहाँ पे हमने उनको जेंडर बायस के ऊपर रखना है और सेंसिटाइज करना है कि एक लड़की की, एक महिला की इज्जत करना क्यों जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा रोल मॉडलिंग में आपका हाथ है। आप जब घर जाते हैं अपने घर की महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, अगर आप एक क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं और उसमें आपने अगर अपने बच्चे की प्लेट उठा दी और आपने अपनी वाइफ की भी अगर एक आध बार प्लेट उठा दी, अनइंटेंशनली आप अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि घर का काम करने में लिंग का कोई मायने नहीं है, एक पुरुष भी कर सकता है, एक महिला भी कर सकती है। तो यहाँ पे आपने ये सिखा के उनको तैयार करना है, जेंडर बायस के ऊपर लेके आना है। आपने अपने बच्चों को, खास करके माता पिता ने, एक YouTube पे आप लिख लीजिए, अगर आपके पास स्लिप पैड है, CBSE की एक बहुत अच्छी फिल्म है कोमल, उसमें आप कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, दो तीन साल से आपने इनको बताना है अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और धीरे धीरे आपने इनको बताना है, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियां खास करके 9 साल से 16 साल तक और लड़के 11 साल से 18 साल की उम्र तक एडोलेसेंट एज में आते हैं, तो वहां पे आपने इनको फैक्ट्स बताने हैं कि बड़े होने से फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि इनके माइंड में चेंज आता है, इनके व्यवहार में चेंज आता है, इनके शरीर में चेंज आने लगता है, इनका ध्यान पढ़ाई से हटने लगता है, टीवी की तरफ ज्यादा जाने लगता है। ऐसे में बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपने इनको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, प्यार से आपने इनको हैंडल करना है, क्योंकि ये बहुत क्रूशल एज है और इसी में सारी गंदी आदतें भी लगती हैं। इनकी कंपनी को भी आपने मॉनिटर करना है। फिर आपने इनको ये संस्कार भी देने हैं कि अपनी एनवायरमेंट को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए रोल मॉडलिंग हमने करनी है। अगर आपका इलाका ग्राउंड फ्लोर में है और अच्छा जमीन है आपके गाँव में, तो आप पेड़ भी लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए। अगर घर के आसपास आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो उससे वातावरण दूषित नहीं होगा, साफ होगा। तुलसी का पौधा लगाइए घर में, आप करी पत्ते का पेड़ लगा सकते हैं, आप फलों के पेड़ लगा सकते हैं। और सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, आपने उनको मेहनत करके बड़ा भी करना है। और अगर आप एक छोटे से घर में रह रहे हैं तो दो चार पौधों में, पॉट्स में, गमलों में आप फूल के पौधे भी लगा सकते हैं, ताकि आप बच्चे को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि अपने इलाके को, प्रकृति को हम किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये जब चीजें हम बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें एक तो ट्री प्लांटेशन का आप कर सकते हैं, दूसरा पानी को कैसे बचाना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आने वाले दिनों में पानी की बहुत दिक्कत आएगी। तो जब मैं टीचर ऑब्जर्वेशन के लिए जाती थी तो बच्चों ने बताया कि दादाजी दाढ़ी बनाते थे, नल खुला रखते थे, तो बच्चे ने छोटा सा हाथ से लिख के चिपका दिया वहां कि कृपया नल को बंद रखें, अपनी गुल्लक तोड़ के एक छोटा सा बाल्टी और मग ला के पापा को दे दिया कि ट्यूब से पानी ना धोएं, और पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि पापा पानी जब कार धोते हैं ट्यूब से 5 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, 1 महीने में 150 लीटर, 1 साल में 1800 लीटर पानी आप इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम 5 दोस्त के पापा 1800 लीटर पानी बचाएंगे तो 9000 लीटर पानी बचाएंगे। एंड फादर वॉज अमेज्ड
कि मेरा बच्चा कितनी अच्छी बात कर रहा है। एंड देन उन्होंने सिखाया कि ये जो गाड़ी साफ करने के बाद, निचोड़ने के बाद जो पानी बचता है उसको फेंकना नहीं है, पौधों में डाल दो, रिसाइकल करो। मम्मी को सिखाया जो सब्जियां आप धो रहे हो, पालक धो रहे हो, मेथी धो रहे हो, वो पानी आपने पौधों में डाल देना। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं जो आपने बच्चों को देनी है। देखिए सरकार अपने एंड पे बहुत कुछ कर रही है, बट सरकार के कार्यक्रमों को मजबूती हमसे मिलेगी। आपके पास MHA की गाइडलाइंस आई है संस्था के लिए, संस्था लेवल पे, ग्रुप सेंटर लेवल पे, बटालियन लेवल पे आप करेंगे, पर अगर आप ये जागरूकता अपने घर की तरफ भी लेके जाएंगे तो ये आपका CRPF का एक बहुत मजबूत परिवार बन जाएगा, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। ऐसे ही बिजली है कि अगर जो चीज की जरूरत नहीं है तो बिजली को आप ऑफ कर दीजिए, वेस्ट क्यों करना है। फिर कई पेरेंट्स इतने खुश नसीब नहीं होते हैं कि उनके बच्चे नॉर्मल हों। किसी को डिसलेक्सिया होता है, किसी को ऑटिज्म होता है, किसी को ADHD होता है, ऐसे बहुत से चीजें हैं। आज तक हम लोगों ने क्या किया है, केवल आंसू बहाए, बच्चे के साथ सिंपथी करी है। हमने सिंपथी नहीं करनी है, एम्पथी करनी है। हमको एक्सेप्ट करना है और हमने एक बड़ी पिक्चर लेके चलनी है कि कल को अगर मैं ना रहूं, मैं अमर तो हूं नहीं, एक दिन मुझे जाना तो है, पर अगर मैं जा रही हूं तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए इंतजाम करके जा रही हूं, ये सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की डेट में एक्सेप्ट करना है और आगे का सोचना है। भारत सरकार की बहुत सी सुविधाएं हैं स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर आपके CRPF के अस्पताल में, इनको स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, CRPF के अस्पताल में IQ टेस्ट होता है तो आप IQ टेस्ट करवाइए, नहीं तो आपके जो CGHS कार्ड के द्वारा आप एक ऐसे हॉस्पिटल में जाइए अपने इलाके में, आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां बच्चे का IQ टेस्ट कराइए और अगर बच्चे का स्कोर 100 आता है, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, IQ टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ और डॉक्टर की सर्टिफिकेट के साथ आप स्कूल में जाके बच्चे का दाखिला करा सकते हैं अगर बच्चे का स्कोर 100 है। दिस इज पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि ये बच्चे नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे बट अंडर स्पेशल गाइडेंस, इनकी असाइनमेंट्स सेपरेट होंगी, इनके टेस्ट सेपरेट होंगे, पर अगर बच्चे ने ये IQ टेस्ट का सर्टिफिकेट है तो ये बोर्ड एग्जाम भी दे सकता है, इसको स्क्राइब भी मिल सकता है, लिखने में भी मिल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कॉलरशिप्स भी हैं एजुकेशन में और इनके लिए जॉब्स भी रिजर्व्ड हैं। अभी परसों मैं अखबार में देखा था कि यश गांधी करके एक बच्चा था जो ऑटिस्टिक था, उसने 92% से IIM को क्रैक किया है। तो रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा, माइंड में सल्यूशन का होना बहुत जरूरी है और बचपन से जितनी जल्दी हम इन बच्चों को ये मदद प्रदान कर सकेंगे उतना इस बच्चे के लिए अच्छा है। और इनको लाइफ स्किल एक्टिविटी सिखानी है, इनको अपने आप खाना खाना सिखाना है, नहाना सिखाना है, कपड़े चेंज करना सिखाना है। अगर हाथ में दिक्कत है कि बटन नहीं लगा सकते तो आपको एज अ मदर क्रिएटिव होना पड़ेगा कि वेलक्रो लगा दीजिए ताकि वो खोल सके और बंद कर सके। और थोड़े और बड़े होंगे तो माइक्रोवेव में मैगी कैसे बनानी है, डिप वाली कॉफी कैसे बनानी है, डिप वाली चाय कैसे बनानी है, आपने इनको तैयार करना है और ये सब चीजें सिखानी है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि मेरे बच्चे नॉर्मल हैं, फिर भी मैंने अपने बच्चे को इन स्पेशल बच्चों के लिए सेंसिटाइज करना है, क्योंकि कल को उनकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा होगा तो बुली नहीं करना चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एज इंडियंस ये कल्चर में हमारे है नहीं कि हम थोड़े सेंसिटिव होएं। ये अब हम जाके थोड़े थोड़े सेंसिटिव हो रहे हैं कि हैंडीकैप की वो बन गई है, रेल्स लगा दिए हैं, टॉयलेट्स अलग कर दिए हैं, पार्किंग अलग कर दिए, ये अब जाके बहुत देर से हम लोग जागे हैं।
दसवां पॉइंट है, कोविड के बारे में हम इतना जान चुके हैं कि अब मेरे को नहीं लगता ज्यादा बोलने की कोई जरूरत होगी। हम मास्क लगा सकते हैं, स्टोल लगा सकते हैं, दुपट्टे से कवर कर सकते हैं, गमछा भी लपेट सकते हैं। डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, दो गज की दूरी जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइजर अपने साथ जरूर रखना है। बच्चे जब स्कूल जाने के लिए तैयार होंगे तो उनके बैग में सैनिटाइजर होना चाहिए, लिक्विड सोप स्ट्रिप्स होने चाहिए, वेट वाइप्स होने चाहिए, पानी की बोतल खुद दीजिएगा, खाना बना के खुद दीजिएगा, क्योंकि स्कूल में कैंटीन को, वैसे ही हम स्कूल्स को बोल रहे हैं कि आप कैंटीन को बंद रखिए। और आरोग्य सेतु ऐप का होना बहुत जरूरी है, और आदतों को बदलना है, आदतों को बदलना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे सुरक्षित रहना है तो मुझे वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि सामने वाला भी सुरक्षित रह सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इफ आई हैव टू रिमेन फिट, सबका वेलफेयर एंश्योर करना है। और आखिरी में जो मेरा पॉइंट है वो हैप्पीनेस क्वोशेंट। केवल दो चीजें, ये इतने ढेर सारे जो पॉइंट्स बताए हैं ये सुनने बहुत अच्छे लगते हैं पर इनमें अमल करना बहुत मुश्किल है, और अमल करने के लिए डिटर्मिनेशन का, दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज मन आया तो करेंगे, कल मन नहीं आया तो नहीं करेंगे, परसों होगा तो देखी जाएगी। तो ये कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये 11 पॉइंट्स करने के बाद मैं आपके सामने बैठी हूं, आपके जितने भी सवाल हैं या जितने भी डाउट्स हैं हर एक का क्लेरिफिकेशन के लिए मैं आपके सामने हूं। अभी सभी स्टेशन से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके क्वेश्चन पूछें, एक साथ ना ऑन करें, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है एक एक करके पूछ सकते हैं। इसी सेंटर का कोई क्वेश्चन? इससे रिलेटेड नहीं भी है तो एनी अदर डाउट? हाँ, अगर कोई भी और भी किसी तरीके का कोई आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम इसको बता देते हैं, इसको ले लेंगे, शेयरिंग बंद कर दीजिए, शेयरिंग बंद कर दीजिए, प्रेजेंटेशन शेयरिंग बंद। अभी लगा सॉन्ग आप बजा रहे हैं कि और भी कोई आ जाएंगे ना? किसी भी, किसी का भी कोई सवाल नहीं है? अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे क्या कार्यक्रम करते हैं। एक सवाल, तो मैं ये उम्मीद करके चल रही हूं कि मेरी कही हुई बातें आप तक, अगर सवाल नहीं है तो सही मायने में पहुंच चुकी हैं। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ कदम आप बढ़ाएंगे आगे? हाथ हिला के जवाब दीजिए। हाँ हाँ हाँ, खिलाइए। अगर मेरी बातें समझ आ गई हैं और अमल करेंगे तो देखो मैं कितने हाथ उठ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अब जब आपने एक्शन करना शुरू कर ही दिया है तो एक छोटी सी एक्टिविटी और भी है आपके लिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। हम एक बहुत प्यारा सा गाना बजाएंगे जो आप तक पहुंचेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो छोटी सी हमारी दुनिया है इसको हम एक बहुत खूबसूरत जगह बनाए रहने के लिए। तो आप हाथ तो नहीं पकड़िए बट नोशनल ऐसा करके, जैसे हम ह्यूमन चेन बनाते हैं
और मैं यहाँ कावा के मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि खड़े हो जाएंगे हम और ये लास्ट गाने के द्वारा आपको गुड बाय भी कहेंगे, दुआ भी करेंगे कि आप सदा खुश रहें, आप सदा स्वस्थ रहें और सदा सुरक्षित रहें। तो हम गाना शुरू करते हैं। This moment when you have to actually wait. हाँ जी सर। जा